दोस्तों प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना एक ऐसी योजना जिसमें सरकार की तरफ से किसान भाइयों को 6000 रुपए वार्षिक मिलते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे किसानों के साथ कई लोग जो हैं वो फ्रॉड कर रहे हैं। यहाँ पे किसानों के साथ केवाईसी के नाम पे धोखाधड़ी हो रही है कि किसान भाई अपनी केवाईसी कराने जा रहे हैं लेकिन साइबर कैफे वालों ने उनसे धोखा किया है और उनके अकाउंट में आने वाली राशि को वो साइबर कैफे वाले अपने अकाउंट में रिसीव कर रहे हैं। यहाँ पे केवाईसी के नाम पे आपसे ओटीपी लेकर उनका खाता नंबर चेंज कर रहे हैं और खुद का खाता नंबर दे रहे हैं। तो इस तरह की अगर धोखाधड़ी का शिकार अगर आप होने से बचना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए और इस वीडियो में दिखाए गए प्रोसेस को फॉलो कीजिए और आप चेक कर सकते हैं कि आपने जो भी डाटा दिया हुआ है, जो भी अकाउंट नंबर दिया है, नाम दिया है, क्या वो सही है। उसे चेक करने के लिए आप इस वीडियो को पूरा देखिए और नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक में आप क्लिक करके आप भी अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं कि क्या आपका अकाउंट नंबर सही है और आपकी नेक्स्ट आने वाली राशि कब मिली थी और कितने तारीख को मिली थी, ये सब कुछ इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। दोस्तों प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में जो भी आपको पैसे मिल रहे हैं, किसान को जो भी किस्त मिल रही है, उसमें बहुत सारे हेर फेर आ रहे हैं। तो इन हेर फेर को चेक करने के लिए और जो भी आपके साथ फ्रॉड हो रहा है, किसी और का अकाउंट है और आपके अकाउंट में पैसा नहीं आ रहा है, तो उन चीज़ों को चेक करने के लिए सबसे पहले आपको इस पेज पे आना होगा जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया हुआ है। अब सबसे पहले दोस्तों आने के बाद आपको यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करके आ जाना है इस पेज पे। आप चाहें तो मोबाइल से भी कर सकते हैं इसे। और आने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको हेल्प डेस्क का एक ऑप्शन मिलेगा, जस्ट इस पे आपको क्लिक कर लेना है। और क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है रजिस्टर क्वेरी नो द क्वेरी स्टेटस, यानी कि यहाँ पे सबसे पहले आपको एक क्वेरी करना है जो कि आप रजिस्टर करके करेंगे। तो यहाँ पे आप चाहें तो आधार नंबर, अकाउंट नंबर और मोबाइल नंबर के ज़रिए यहाँ पे आप अपनी सबसे पहले तो डिटेल निकाल लीजिए कि क्या सच में कोई आपके अकाउंट से पैसा ले रहा है। ये तो चेक करने के लिए दोस्तों यहाँ पे आप अपना आधार नंबर देंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे गेट डिटेल वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। गेट डिटेल वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसकी पूरी डिटेल जो है फेच करके आ चुकी है। यहाँ पे सभी लाभार्थी का नाम, यानी जो भी किसान लाभ ले रहे हैं, उनका डिटेल आ जाएगा, कौन सी किस्त कितने डेट में मिली है, कौन से अकाउंट में आई है। तो यहाँ पे दोस्तों मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे किसान के साथ कोई भी धोखाधड़ी नहीं हुई है, उसी अकाउंट में पैसे आ रहे हैं। और अगर आपको लगता है कि आपका अकाउंट नंबर नहीं है, आपका मोबाइल नंबर नहीं है यहाँ पे, तो दोस्तों यहाँ पे आपको यहाँ पे बस एक कंप्लेन रजिस्टर करना है। जस्ट यहाँ पे आपको अकाउंट नंबर नॉट करेक्ट या जो भी ट्रांजेक्शन फेल प्रॉब्लम, आधार करेक्शन, जेंडर इज नॉट करेक्ट, इन सभी में से जो भी प्रॉब्लम है आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। और सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप अपनी प्रॉब्लम को लिख लेंगे कि आपके साथ एक्चुअल में प्रॉब्लम हो क्या रही है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो कोड दिया हुआ है 3+5=, जितना होता है वो आप यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पे सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। चलिए अब हम आपको बता देते हैं कि आप अपना स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं। पहले आपको आना है नो योर क्यूरीज पे। तो यहाँ पे जस्ट अपनी क्यूरी आईडी डालेंगे। तो इसके बाद दोस्तों आप चाहे तो अपना आधार नंबर भी डाल सकते हैं। और आधार नंबर डालने के बाद दोस्तों यहाँ पे जब आप गेट डिटेल्स पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो भी डिटेल्स है यहाँ पे आ जाएगी। चूँकि हमने अभी कोई भी कंप्लेंट रजिस्टर नहीं की हुई है, क्योंकि हमारे डिटेल्स जो है वो सही है। और यहाँ पे आपको लिखा हुआ आ रहा है योर क्वेरी आईडी नंबर इज़ नॉट अवेलेबल। तो यहाँ पे आपको कोई भी क्वेरी आईडी नहीं मिली है, तो यहाँ पे कोई भी धोखाधड़ी नहीं हुई है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन भी आ रहे हैं और न्यूज़ भी सुनने में आ रही है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का पैसा का लाभ कोई और ले रहा है आपके नाम पे, आपका आधार कार्ड यूज़ करके। इसी तरह से दोस्तों अगर आप चाहते हैं अपने मोबाइल नंबर का यूज़ करके डिटेल को चेक करना, तो आप यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर देंगे। और मोबाइल नंबर देने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप चाहें तो अपना डिटेल्स निकाल सकते हैं फिच करके।